अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल्लीमिनश्शैतानिर्रजीम رب ادخل لي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ladies and gentlemen, I'm extremely grateful to you for giving me such audience and such beautiful gathering. I'm expecting a beautiful dinner after this. The topic I've chosen, perhaps I've been given today for the discussion, it's slightly different, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मौजू का हक अदा करने के काबिल हो सकूंगा, इसलिए कि इस्लाम हो, जिंदगी हो, इंसान हो, इस मौजू के अलावा हमारी जिंदगी की तकमील का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि तमाम वो जिंदगी वेस्टेज है, बेमकसद है, नाताज है, अगर हम उसके आगाज का उसके अंजाम से अंदाजा नहीं लगाते, वो जिंदगी अगर तो हादसा तन पैदा हो गई है, एक गैर मामूली वाकई की वजह से पैदा हो गई है, अगर हम इसी तरह वजूद में आ गए कि किसी ने हमें प्लान नहीं किया, अंदाजा नहीं लगाया, शायद बरसते हुए घने बादलों में जो इस कायनात में पानी की तखलीक की वजह से उठ रहे थे, इन अचानक एक कीचड़ में गलाजत में नस्ल इंसान का पहला जसूमा पैदा हो गया। हम समझते हैं कि ऐसा हुआ, मगर हैरानी की बात खातिन हजरात कि जो सबसे बड़ा बाप है जो एंथ्रोपोलॉजी, उसने दो नतायज बड़े अजीब से निकाले। इमरानियात के तमाम उलूम ने दो बड़े अजीब से नतायज निकाले। शुभ पड़ता है कि ये नतायज जो हैं, जो उन्होंने निकाले हैं, अगर ये सच हैं, तो फिर उस वक्त जब इंसान बमुश्किल अपनी दरिंदगी से और बर्बरियत से इंसानियत को आ रहा था, जब अपने खुद और काम के लिए अभी तक उसके पास कोई कायदा और कानून नहीं था, उस वक्त उसको खुदा कहां से याद आया? क्या अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक हम जिंदगी को तकसीम नहीं करते चले आए? क्या हमें पता नहीं है कि हम उस बच्चे में शरा लागू नहीं करते जिसकी उम्र इस काबिल ना हो जाए कि सोचने समझने के काबिल ना हो जाए? तो जब इंसान सोचने समझने के काबिल ही नहीं था, जब इस काबिल नहीं था कि अपने घरौंदों को तश्कील दे सके, जब अब औरत और मर्द के दरमियान वो बुनियादी इमरानी मुआयदा ही नहीं तय हुआ था कि घर किसने रहना है, घर से बाहर किसने जाना है, उस वक्त फादर स्मिथ सेज होमो सेपियन वाज होमो रिलीजियस। हैरानी की बात है कि मुत्तफिक अलैह नतीजा जो है इस इमरानी रिसर्च का कि इब्तदाए इंसान ही खुदा से हुई है, होमो सेपियन वर्ड होमो रिलीजियस। खातिन हजरात, इससे गुरेज किया जाता, इख्तलाफ किया जा सकता है कि वाज होमो सेपियन अ रियल होमो सेपियन, वाज इट थिंकिंग। इन माय लेटेस्ट लेक्चर आई रिकॉर्डेड अ डिफरेंट ओपिनियन, नोबडी थिंक्स, देन व्हाट डू वी डू? अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस from outside this society, from outside his self, we only observe a stimulus, record it, define it, detect it, and answer that. That answer is called thought. इसके अलावा तसव्वुर नहीं है। और ये दावा करना कि हम सोचते हैं, ये गलत दावा है। दावा कुरान का सच्चा है, जो ये कहता है वो नफ्स वमा सवाह,
हमने नफ्से इंसानी को दुरुस्त किया, फहद हमहा फजूरहा व तक्वाहा, हमने इस पे नाजिल किए हर किस्म का फिस्क व फजूर। जब खुदा एक लफ्ज इस्तेमाल करता है तो एक साइड जिंदगी की बयान करता है, जब दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करता है तो दूसरी तमाम कदर इंसान की वजाहत करता है। जब वो ये कहता है कि फिस्क व फजूर है तो इसमें तमाम नेगेटिविटी शामिल है। जब वो ये कहता है कि मैंने इस पर इल्हाम खैर किया तो उसमें जुमला अकदाम खैर शामिल हो। मगर फिर क्या कहता है, फअलहमहा फजूरहा व तक्वाहा, कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। जिसने खैर को चुना निजात पा गया, जिसने शर को चुना खसारे मिला। खादिम हजरत, अगर इस सिंगल आया कुरान को समझा जाए तो गॉड is very clearly explaining that you have been given an instrument to choose. आपके दिमाग में सलाहियत फिक्र खुद ब खुद सोचने की सलाहियत नहीं है। आपको याद होगा बड़ी मुद्दत हुए लुई पाश्चर ने सबसे पहला एक साइंटिफिक रूल दरियाफ्त किया। बहुत सारे लोग समझते थे कि बीमारियां हमारे अंदर से पैदा होती हैं, बीमारियों के लिए हमारा वजूद बना है। मगर जब वो आया तो उसने एक रूल, साइंटिफिक रूल बताया कि देयर इज नो स्पॉन्टेनियस आउट ग्रोथ ऑफ ए जर्म इनसाइड। ये खारजी मजाइल से मुताल्लिक होकर इंसानी जर्सों में जो है वबा पकड़ते हैं। ख्याल के मुताबिक यही दुरुस्त है, हमारे अंदर देर इज नो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ थॉट एट ऑल। हम रिएक्शंस लेके, खारजी तहरुकात लेके, स्टिमुलस लेके उसके जवाब देने को ख्याल कहते हैं। और इसी के कुव्वत मुतखय्यरा यही है कि 100 बिलियन सेल्स जो हमारे कॉर्टेक्स ब्रेन में है, जब ये सिचुएशंस देखते हैं उनका जवाब देते हैं तो आपकी ख्यालात की एक दुनिया तख्लीक होती है। सवाल ये कॉम्प्लिकेशन क्यों, जैसे मैंने कहा, अगर स्मिथ कहता है कि पहला इंसान दैट होमो सेपियन वाज होमो रिलीजियस, एंड अगेन प्रोफेसर टायर सेज वी स्पेंट 50 इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन रिसर्च, फाइनली ही स्पोक आउट नॉट ओनली दैट होमो सेपियन इज होमो रिलीजियस बट ऑल्सो मोनोथीस्ट। हैरानी की बात है, वो कहता है कि पहला इंसान या इब्तदाई इंसान न सिर्फ ये कि खुदा परस्त था बल्कि खुदाए वाहिद की परस्तिश करता था। हाजिर हजरात, कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि वेन यू रीड माइथोलॉजीज हिस्ट्री इन द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, there is almost every culture has a very acute expanded system of gods and goddesses. The question is, was early man a monotheist? The reality is that yes. Magar isse pehle Quran ki aapko ek ayat padhni hoti hai. Quran kehta hai shuru mein sab mawahat hai, shuru mein sab mawahat hai, phir rafta rafta inhone बुत परस्ती शुरू कर दी और निकाल। जैसा कि थ्रू एग्जाम्पल, आर्यन जब इंडिया में दाखिल हुए दे हैड ओनली वन गॉड, उसको इंदिरा कहते, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ ग्रेसेस, स्वर्ग और बिजलियों का खुदा इंदिरा। बट द मोमेंट ही एंटर्ड इंडिया, मैट्रिआर्कल सिस्टम विच रूल्ड ओवर इन इंडिया, जिसमें बहुत सारी देवी देवताओं थे, द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज इंदिरा वाज मैरिड टू टू गॉडेसेस, मथुरा और वरुणा। फिर एक वक्त आया कि उसके खिलाफ जिद्दोजहद हुई, तौहीद को दोबारा इस्टेब्लिश किया गया, और दूसरे जब बड़ा खुदा आया उसका नाम ब्रह्मा था। कुछ देर के बाद ब्रह्मा को फिर दो रिश्ते दे दिए गए, शिवा और विष्णु। तो एक दफा जो उनका सबसे बड़ा मुफक्कर और फिलोसोफर है, जिसको हम नूह है सानी कहते हैं, जो हजरत नूह की बिल्कुल एज के साथ साथ आते, मनू
जो स्मृति का कानूनी उपनिषदा का जो वेदांता का सबसे बड़ा उस्ताद है, उससे उसके बेटे ने पूछा कि है मेरे वालिद, ये तो बता शिवा और विष्णु क्या है, आर दे टू गॉड्स? उसने कहा नहीं, खुदा वाहिद है और शिवा और विष्णु उसकी सिफात है, डिस्ट्रॉयर है, एक डिस्ट्रॉयर है, प्रिजर्वर है, और ये उसकी दो सिफात है। कभी खुदा को तकसीम न करना। काजी हजरत, अब अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी लौट जाएं तो माउंट ओलंपस पे जो ग्रीक गॉड्स का एक खानदान बैठा हुआ था जिसका हेड जेस था और सात और आठ देवता उसकी सपोर्ट, दिस वाज फैमिली ऑफ गॉड्स विच रूल्ड ग्रीक माइथोलॉजी, सबके ऊपर जेस बैठा हुआ था, जेस वाज गॉड ऑफ गॉड्स। मगर अगर आप उस खुदा की हरकतें देखें तो शायद आपको उसको खुदा ना ही माने तो ठीक है। इस किस्म का फजूल आदमी तो हमारा छोटा मोटा नौजवान भी नहीं होता जो वो हरकतें कर रहा था, मगर फिर भी वो खुदावंद खुदा समझा था। जेस के बारे में कहा जाता कि पांच बहन भाई हैं, एक सिंगल गॉड की पैदाइश है, उसका नाम क्रोनस था, और दूसरी बात कही जाती है कि गॉड वो जो बाप खुदावंद है इतना जालिम था कि बच्चों को पैदा होते ही खा जाता था। खादिम हजरात, दरअसल अगर आप माइथोलॉजी की वजाहत इल्मी तौर पे करें तो उससे ये जाहिर होता है कि वो बुत परस्त मुआशरा बड़ी कोशिश करके वो खुदावंद वाहद को तकसीम करने की कोशिश कर रहा था, और जब तक खुदा परस्तों में और सिंगल गॉड को पावर हासिल रही वो रहे, मगर जब उस खुदा की ताकत कमजोर, उसके चाहने वालों की ताकत कमजोर हुई तो भाग के बड़ी दूर क्रेट की जजीरे में नए खुदावंद तख्लीक हुए। इन कुरान सच्चा था कि हर तहजीब, हर मुआशरे और तमाम इंसानों से पहले इंसानों का सिर्फ एक खुदा था। खादिम हजरात, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि खुदा अगर था, देयर आर ओनली टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइफ, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वी एवरी बॉडी इज लुकिंग फॉर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं जमीन व आसमान के तमाम सवालात का जवाब दे सकूं, मेरे पास कोई ऐसा तिलिस्मान ख्याल हो, ऐसा एक की हो, ऐसी की हो जिससे मैं हर सवाल के जवाब को दे सकूं, मुझे जिंदगी का, मुआमिलात जिंदगी का, मुझे रिश्तों नातों का, मुझे अपनी पर्सनल और इज्तमाही जिंदगी के तमाम सवालात। जब एक छोटा सा बच्चा आपसे पूछता है आसमान किसने पैदा किया, जमीन किसने तख्लीक की, पानी कहाँ से फूटा, मेरी जिंदगी कहाँ से आई, ये रिश्ते आपके कहाँ से बने, तो बड़े बड़े जहीन माँ बाप भी चकरा जाते हैं। एंड यू वांट टू से कि परहैप्स आवर चाइल्ड इज हाइपरटेंसिव, भला ऐसे भी कोई सवाल पूछ रहा है, इतने जहीन माँ बाप ने पढ़ा हो तो जवाब दे। तो कई लोग आके पूछते और कहते हैं कि भाई साहब इस बच्चे का क्या करें, ये जो अफलातून बना हुआ है अभी पैदाइश होने के साथ ही, इसका हल क्या होगा? तो मैं कहता हूँ उसको एक बात कह लो कि अभी किताबें इतनी पूरी नहीं है, थोड़ी देर ठहर जाओ, अगले बरस जवाब देंगे, कुछ साल निकाल लोगे तो शायद उसको खुद ब खुद ही जवाब मिले। खादिम हजरत, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सवाल जो हमारे जहन में मुसलसल आते हैं, इससे सिर्फ एक चीज साबित होती है, इधर आई एम क्रिएटेड बाई एन एक्सीडेंट बाई चांस आर समी क्रिएटेड, तो आपको जमीन से नहीं मिलते, दानिश्वर नहीं देते, फलसफी नहीं देते, बक्सान नहीं देता, विटकंस्टाइन नहीं देता, निच्चे और फिश्ते नहीं देते, प्रोफेसर आर्नल्ड नहीं देता, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं देता, आर्मस्ट्रांग नहीं देते, आप सारी दुनिया के किसी भी शोबा हयात के स्पेशलिस्ट के पास जाए, आपको कोई इन सवालों के जवाब नहीं देता। अब देखिए थोड़ी सी बात आपको बताऊं, लोगों की तालीम बरकत इतनी कम होती है कि हम अपने ख्याल से उनसे मुत्तफिक तो हो जाते हैं। अब देखिए सोशलिज्म, कम्युनिज्म आया,
सोशल कानून बहुत बड़े बानी को आप देख लीजिए, कार्ल मार्क्स को देख, दास कैपिटास को देख लीजिए, मगर जब वो ये बात लिखेंगे कि सारी जिंदगी गुलाम और आका की जंग है वो है नॉर्थ की जंग है, प्रोलेटेरियट की जंग है बुर्जुआजी के साथ, कि ये लाजिम है कि गुलाम आका से जंग करें, तो आप हैरान होते हैं कौन सी जंग, हमारी तरफ तो ऐसी कोई जंग नहीं है, हमारी तरफ तो सारी बादशाहतें गुलाम ले गए, सारी बादशाह हमने देखा दूर की क्या बात थी, सुल्तान मोहम्मद गौरी की चहलगाना गुलामों को किसी और ने लड़की नहीं बल्कि खुद बादशाह ने चारों को खिलाफतें दे दी। आप तुर्कों को देखिए जिनको मुसलसल मुसलमानों में अलूज रहा और तमाम बादशाहों ने उनको खिलाफतें दी। हमारे यहाँ तो टैलेंट का ऐसा बहरान पैदा ही नहीं हुआ। हाजिर हजरात एक दफा अब्दुल मलक बिन मरवान काबे में आया, उसने नजर मारा, उसने पूछा कि बगदाद का सबसे बड़ा कूफा का फकीह कौन है, उसको कहा गया नौमान बिन साबित अबी हनीफा, उसने कहा अच्छा ये बताओ कि बसरा का सबसे बड़ा फकीह कौन है, कहा हसन बसरी, उसने पूछा कि कौन है नौमान बिन साबित, उसने कहा आजाद करदा गुलाम है, उसने कहा हसन बसरी कौन है, उसने कहा आजाद करदा गुलाम है, उसने कहा अच्छा मक्का का फकीह सबसे बड़ा कौन है, उनका अंस अनस बिन मालिक, उनका कौन है, उनका आजाद करदा गुलाम है, उसने कहा अच्छा, तो उसने हाथ पे हाथ मारा, उसने कहा हमारी बादशाहत किसी काम की, खुदा की कसम खिलाफत तो ये सारे गुलाम दे गए। खातिब हजरात इस माशरे में जो एक अर्ली इस्लामिक माशरा कायम हुआ, इंसान की कदर आफियत का कोई अंदाजा जो है हमारे सलूक से नहीं लग सकता, हमारी तहजीब से नहीं लग सकता, हमारी जिद्दती ख्याल से नहीं लग सकता, हम उस बराबरी और तफावुक को देख नहीं सकते कि हजारों गुलाम इसलिए आजाद कर दिए गए, हजारों गुलाम कि मुसलमानों ने सोचा कि जो गुलामों के बारे में हमें हक हासिल है और जो उनके हक हम पे हासिल है वो हम अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी ने देखा एक दफा गुस्से में गुलाम को थप्पड़ मार दिया, सुबह रोते हुए आए कि या रसूलल्लाह मैं अच्छा सलूक नहीं कर सका और मैं ये गुनाह बार बार नहीं कर सकता इसलिए मैं इसे आजाद कर रहा हूँ। कई मरतबा ऐसे वक्त साहब ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहा कि अल्लाह ने जो हुक्म इनके बारे में हमें दिया है अगर हम ना पूरा करें तो इनकी वजह से हम अजाब में चले जाएंगे, ये तो बराक पा जाएंगे, तो उन्होंने अपने अपने गुलामों को आजाद कर दिया। खादिम हजरात ये वो मसला था, ये अजीब सी बात मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम जिंदगी बसर करने से पहले और शऊर के हुसूल के वक्त कभी ये डिसाइड करते हैं कि हमने बाकी पूरी जिंदगी किस ख्याल से गुजारनी है, हम किसको जवाब दें हैं, किसको जान देनी है, किसके ख्याल से हमने अपने अंजाम को पहुंचना है। एक अंजाम तो हमें पता है, बायोलॉजिकल अंजाम है, whosoever is born has to die, whosoever is born has to die, ये वो हकीकत है शायद जो कभी जमाने में बदल नहीं सकता, मगर क्या हम ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ने हमें ये चॉइस दिया है, कितना चॉइस अल्लाह ने दिया, क्या रिस्क का चॉइस दिया है, नो अल्लाह ने कोई रिस्क में चॉइस नहीं दिया। जो लोग ये कहते हैं कि हम कमाते हैं हम खाते हैं, उनको शायद पता नहीं कि हम 1.3 मिलियन में एक एक जुज़्वे हयात है, 13 लाख मखलूक में हम एक मखलूक है, अगर एक मखलूक ये दावा करे कि हम खाते हैं हम कमाते हैं हम पीते हैं तो बाकी वो जो 13 लाख मखलूक है वो किधर करे, क्या वो भी ये क्लेम करती है कि हम अपने ज़ोर से कमा रहे हैं हम अपने ज़ोर से खा रहे हैं। मुझे याद आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, नदी किनारे चल रहे थे और यूहन्ना साथ थे, तो हाथ में 2 रोटियां थी उनके, हज़रत ने पूछा कि यूहन्ना ये तेरी पोटली में क्या है, तो यूहन्ना ने कहा या नबी अल्लाह 2 रोटियां हैं, कि 2 क्यों, कहा एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, तो आपने फरमाया यूहन्ना
तुमने तवक्कल में हमें परिंदों से भी नीचे गिरा दिया है। कभी उनके वक्त में ज़खीरे खुराक उनके हाथ में भी देखा है तो अजाना परेशान हो गए, कहा या नबी अल्लाह क्या करूँ। कहा एक दरिया में मछलियों को फेंक दे और एक आधी अब खा और अगर ज्यादा फिक्र ना रोजगार की तो आधी शाम के लिए रख दे। हम हजरात जब तवक्कल की ये मिसाल दी जाए तो हम एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन अपनी जात से करते हैं, इज इट पॉसिबल टू अचीव सच अ स्टेट ऑफ माइंड। वो पैगंबर थे, वो सहाबी थे, वो बड़े थे, मगर मसला ये है कि हमने भी अपनी जिंदगी में अव्वल वो आखिर कभी सोचा ही नहीं होता कि हम जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं और किस लम्हे से गुजर के हमें किस लम्हे हयात तक पहुंचना। अब एक सवाल से ये है कि अगर हम खुदा के यकीन रखने वाले एंड डू वी बिलीव गॉड एंड मे बी मोस्ट ऑफ अस से यस वी डू, मगर क्या फिर हम खुदा का ये लिटरल फेथ जो है कभी भी उसके अमली अकदाम में डालने के कामयाब हो सकते हैं। जब वो हमें कह रहा है कि मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर ऐसा कोई ज़िहायात नहीं है जिसका रिस्क मुझ पे नहीं है, मैं देता हूँ रिस्क सबको, वो दावा कर रहा है मैं तुम्हारी जिंदगी को जब तक मैंने तुम्हें जिंदा रखना है तुम्हारी जिंदगी के रिस्क की जिम्मेदारी मुझ पे है, न सिर्फ रिस्क। वह यालमो मुस्तकर रहा वो मुस्तर रहा, मैं जानता हूं तुमने कहाँ ठहरना है, मैं जानता हूं तुम्हारी मूवमेंट्स क्या है, मैं जानता हूं तुम किस किस मकाम तक जाओगे, कहाँ कहाँ रुकोगे, कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे, ये सब मैंने लिकुल भी किताब मुबीन जो मैंने मास्टर प्लान बनाई थी ना, ये कि आपसे लोहे महफूज कहते हो, लोहे महफूज कहने से आपको मतलब नहीं समझ आएगा। लेट्स लुक एट गॉड्स व्यू पॉइंट। एक बहुत बड़े मालिक कायनात ने 7 यूनिवर्सिस वो तख्लीक कर चुका था, फिर वो आपकी कायनात तख्लीक करने के लिए आया, फिर उसने प्लान किया, प्लान ये किया कि मैं इतने इंसान बसाऊंगा, फिर उन इंसानों को गिना, फिर उसने उन असबाब को गिना जो उन इंसानों के लिए ज़रूरी थे, फिर उनकी जिंदगियां गिनी, फिर उनके माँ बाप का तयन किया, फाइलें तख्लीक की, ये फला फला घरों में जाएंगे और फला फला माँ बाप के बेटे होंगे, फिर उनकी नस्लों को आगे बढ़ाया, वक्त के साथ साथ तमाम जराए को वो खोलता चला गया। कल जो लड क्रिस्टल थी 2000 साल पहले, आज वो यूरेनियम में बदली ताकि एटम का बाइस बन सके, पहले इसका किसी को पता नहीं था। जमानो मकान के साथ परवरदिगार आलम की ये चीज बदलती रही, आगे बढ़ती रही और कुरान खुलता रहा, हत्ता के कयामत के असबाब तक गया, हत्ता के कयामत के आसार तक कुरान पहुंचा। वाइजा जुलजिलतिल अर्द ज़िलज़ालहा वो अखरजत अशकालहा वकाल इंसान माला। खादिम हजरात इट वॉज एक्यूटली प्लान, जैसे आप स्कीम्स प्लान करते हो, ये आपको प्लानिंग का शौक भी खुदा से मिला है और लोहे महफूज वो महजर तख्लीक है जिसमें इंसानों के हर जुज़ की बड़ी तफसील के साथ जिक्र हुआ, मगर फिर जब ऐसी सारी चीज़ें लिख दी गई तो इंसान पूछता है मैं क्या करता हूँ, व्हाट डू आई हैव टू डू। क्या मुकद्दर एक जबरियत की बदतरीन किस्म है? आदि मजाक जबर कभी इंसान के खिलाफ नहीं होता। जबर ये है कि सूरज 8 करोड़ मील पर खड़ा है, जबर ये है कि चांद 2 लाख मील पर खड़ा है, जबर ये है कि जिंदगी जमीन आपको पानी मुहैया कर रही है, जबर ये है कि पहाड़ इसलिए खड़े गए कि जमीन को लेके गौर न जाए, कांप न जाए, आपका रहना मुश्किल ना हो जाए। जबरियत की तमाम किस्में जो हैं इंसान की फैसिलिटी के लिए क्रिएट की गई। अगर आप जबर व कदर को मुतलकन फैसला कुन अंदाज से देखना चाहें तो आई विल ओनली से अ सिंगल सेंटेंस कि ऑल डिटर्मिनिज्म इज अ प्रोटोकॉल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मखलूक को भेजना था तो खुदावंद करीम ने सबसे पहले इंसानों के बंदोबस्त पूरे किए, बंटवाए।